हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम लेके आए हैं कि एडमिशन इज अबाउट टू ओवर, नाउ व्हाट। सो आप सबको पता है कि एडमिशन का फर्स्ट राउंड हो चुका है, सेकंड का चॉइस फिल हो चुका है, अब बस उसके रिजल्ट की ही देरी है। बट अब आगे क्या करना है उसके रिगार्डिंग आज का वीडियो होने वाला है, ठीक है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपको एक ही बात कहनी कि एक्सेप्ट योर कॉलेज। अब क्या होता है कि स्टार्टिंग डेज में काफी सारे को जो स्टूडेंट होते हैं उसको जो अपनी कॉलेज अलॉट हुई होगी वो अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब कुछ बदल नहीं सकता है, तो आपके पास अब एक ही ऑप्शन बचता है कि जस्ट एक्सेप्ट योर कॉलेज नो मैटर हाउ गुड और बैड इज। यहाँ पे कहना मैं इतना ही चाहता हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट्स को अपनी मनपसंद फेवरेट कॉलेज होगी वो अलर्ट होगी, काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा होगा कि जाना था किसी और कॉलेज में और दूसरे में मिला और वहाँ पे ही रहना पड़ा। सो अब उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। अब चेंज कब होगा कि 4 साल बाद आपका जो प्लेसमेंट आएगा, फाइनल ईयर आएगा, उसमें आप कैसा परफॉर्म करोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नो मैटर आप कितनी भी अच्छी कॉलेज में हो बट आपके पास स्किल नहीं होगी तो फिर कॉलेज का कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक्सेप्ट योर कॉलेज, भले ही कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिला हो, चाहे वो ए लेवल हो, बी लेवल हो, कि साउ सिर्फ मान लीजिए कि कोई छोटी सी कॉलेज हो, उसमें कोई फर्क इतना ज्यादा पड़ने वाला नहीं है, वो मैं आगे चल के आपको समझाने वाला हूँ। सो सिर्फ आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट एक्सेप्ट योर कॉलेज। ऑल राइट, नाउ फर्स्ट स्टेप क्या है कि मैं आपको यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि डिसाइड योर गोल। अब आप तो बोलोगे कि ये ऑलरेडी आपने बता चुका है, बट मैंने यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट में मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि इन माय अर्लियर वीडियो आई वाज जस्ट सेइंग कि 50% चलेगा, कि 50% अपना गोल डिसाइड है तो फिर चलेगा। बट यहाँ पे मैं आप उस गोल को 100% में कन्वर्ट करने की आपको सजेशन देने वाला हूँ, ठीक है। आपको 100% श्योर होना पड़ेगा कि आपका जो टारगेट क्या है। सो सबसे पहला स्टेप मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि अब आपको 100% श्योर हो जाना है अपने 4 साल के बाद के टारगेट के लिए कि आपको क्या करना है। अब इसमें क्या होगा कि मैंने क्या बोला था इससे पहले कि आपका 50% भी मन है कि 50% ना नहीं मुझे जाना है प्लेसमेंट में या फिर मुझे जाना है गेट में, ठीक है। बट अब आपको ये 50% वाला मार्क नहीं, अब आपको ये 100% वाला मार्क अचीव करना है। आपको 100% श्योर हो जाना है अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो उसके उसी हिसाब से आपको स्टडी करनी है, स्टडी अकॉर्डिंगली, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो सबसे पहला स्टेप मेरा मेरी साइड से यही रहेगा कि आप अपना गोल डिसाइड कीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको 4-5 गोल दे देता हूँ, इसके अलावा भी काफी सारे आपके पास गोल हो सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे फर्स्ट लेटर रखूंगा। पहला है आपका होता है प्लेसमेंट, वो होता है 4 साल के बाद। इसके दो टाइप है, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, उसके बारे में भी आगे चल के काफी सारे इंफॉर्मेशन आने वाली। सेकेंड थिंग इज द गेट। गेट है IIT, NIT, IIIT और IISc की एडमिशन एग्जाम, वो होती है मास्टर के लिए IITs में, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज द एब्रॉड। फॉर दैट देर आर सो मेनी वेबसाइट लाइक IELTS है, फिर GRE है, TOEFL है, ये सारी है। फिर होती है UPSC, GPSC, सिविल सर्विसेज, और फिर आता है इंटर्नशिप, स्टार्टअप, प्रोजेक्ट, ये सारा का सारा आइडिया। सो ये होता है फर्स्ट फर्स्ट स्टेप एंड दैट इज द डिसाइड योर गोल। अब यहाँ पे मैंने आपको 4-5 आपके गोल डिसाइड करने के लिए ऑप्शन दिए थे, बट इसके अलावा भी आपके पास काफी सारे ऑप्शन है आफ्टर 4 ईयर क्या क्या आप कर सकते हो। बट उसके लिए मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। यहाँ पे मेरा टारगेट यही था कि आपको अपना गोल डिसाइड करना है, बट इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाने वाला हूँ कि आपके पास 4 साल के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहेगी, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि दिवाली इज फर्स्ट ऑल। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप कहीं पे रोड ट्रिप पे जाते हैं, कहीं पे घूमने जाते हो, तो फिर ऐसा तो नहीं कि आप अपने घर से निकलेंगे और डायरेक्टली अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। बीच में आप कहीं पे तो होल्ड लेंगे, कहीं पे रुकेंगे, ब्रेक लेंगे, वहां पे फ्रेश होंगे। सो व्हाट आई मीन टू से दैट, यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके लिए दिवाली एक पहला ब्रेक होने वाला है। इट मीन्स दैट कि अभी तक मतलब आप रिलैक्स रहना दिवाली तक। अभी से ऐसा नहीं कि पढ़ाई स्टार्ट कर दी, दिन के 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने लगे, फिर इंजीनियरिंग में ही फोकस करने लगे, बुक ले ली, ये सब कुछ कर लिया। इतना अभी से आपको कुछ भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप दिवाली तक रिलैक्स रह सकते हो और दिवाली के बाद अपनी जो जर्नी है वो फुल स्पीड पे 5th गियर में आप स्टार्ट कर सकते हो। सो व्हाट आई मीन टू से कि आप दिवाली तक थोड़ा सा रिलैक्स रह सकते हो और दिवाली के बाद अपनी जो जर्नी है वो फुल स्पीड पे एक्सेलरेट कर सकते हो। बट यहाँ पे इतना मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहता हूँ कि दिवाली तक आपको कुछ पढ़ाई नहीं करनी है। यू हैव टू जस्ट गिव
गिव योर सम टाइम इन स्टडी बिफोर दिवाली, ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि दिवाली के बाद आप एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करना, अभी से वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इतना फर्स्ट ईयर में बर्डन नहीं होता है, काफी रिलैक्सेशन होता है फर्स्ट ईयर में। बट इम्पोर्टेंट है कि आपको अपना गोल डिसाइड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है, ठीक है। सो दिवाली के बाद आप एकदम फुल स्पीड में अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो, और दिवाली के पहले थोड़ा थोड़ा टाइम आपको स्टडी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। नाउ क्रिएट अ टाइम टेबल। अब यहाँ पे मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ कि फॉलो योर गोल एंड मेक अ टाइम टेबल, इट मीन्स दैट कि आप अपना गोल डिसाइड कीजिए और उसके बाद टाइम टेबल एक डिजाइन कीजिए। अब उसमें भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो में कि आप किस तरह से टाइम टेबल बना सकते हो, ठीक है। अब प्लेसमेंट के लिए आप कब से प्लेसमेंट की तैयारी स्टार्ट करोगे, ये आपके पास पूरा का पूरा एक टाइम टेबल होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको जाना है गेट में, तो आप कब से कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हो, कब से आप टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करोगे, कब से आप गेट देंगे, कौन से साल में गेट देंगे, क्योंकि गेट में अभी है कि आप थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर दोनों में आप गेट दे सकते हो, ऐसा उसमें फिक्स नहीं है कि आप फाइनल ईयर में हो तभी आप गेट दे सकते हो। सो ये है गेट के लिए कि आप कब से गेट का जो स्टडी है, कोचिंग क्लास है, उस स्टार्ट करोगे, उसके लिए एक आपको टाइम टेबल चाहिए कि मैं इस महीने से, इस साल के इस महीने से गेट के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करूंगा, इस साल तक मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूंगा, और मान लीजिए कि 2023 या 2024 में मैं अपनी गेट की एग्जाम दूंगा। इस तरह से आपको एक टाइम टेबल क्रिएट करना है। और अदरवाइज आपको अब्रॉड जाना है तो आप कब से IELTS, TOEFL, GRE के क्लास स्टार्ट करोगे, कब से आप दूसरी फॉरेन लैंग्वेज स्टडी करोगे, ये सारा का सारा टाइम टेबल आपको अभी से क्रिएट करना है। सो यहाँ पे मैंने रिलैक्स रहने का मतलब दिया है, तो इसमें आप यही जो सारा का सारा साइड में आपका इंजीनियरिंग के स्टडी के अलावा जो इंफॉर्मेशन है जो आपके स्टडी में मैटर नहीं करता है, वो सारा का सारा डिजाइन आपको गोल और एक पाथ है वो आपको यहाँ पे एक डिसाइड कर लेना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे किसी को DPSC UPSC में जाना है, तो उसके लिए भी सेम एडवाइस रहेगी कि आप अभी से डिसाइड कर लो कि आपको कब से क्लास ज्वाइन करना है, कौन से क्लास ज्वाइन करना है। आप मान लीजिए कि आप दिल्ली जाके UPSC के क्लास करना चाहते हो, तो आप कैसे, किस तरह से जाओगे, कब जाओगे, कौन से साल में जाओगे, ये सारा का सारा आपको अभी टाइम है, तो आप अच्छे से अपने फैमिली के साथ कंसर्न करके, अपने फैमिली के साथ डिस्कस करके आप ये एक टाइम टेबल क्रिएट कर सको। अब मान लीजिए कि किसी को स्टार्टअप करना है, तो कितने लोगों का स्टार्टअप करना है, कितने आपके लोग होंगे टीम में। फिर किसी को आफ्टर 4 ईयर इंटर्नशिप करनी है, तो कौन सी कंपनी में इंटर्नशिप करनी है, उसमें कौन सी स्किल चाहिए, ये सारा का सारा टाइम टेबल आपको दिवाली से पहले क्रिएट कर देना है, ठीक है। सो मैं उसके ऊपर भी एक मतलब दिवाली के बाद आपको बता दूंगा कि आपका ये गोल है कि तो आपको अब इस तरह से आपको चलना चाहिए। सो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मेरे हिसाब से काफी सारे स्टूडेंट को एक रिलीफ देगा, यानी कि एक राहत देगा। कॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, योर स्किल इज। इसका मतलब यही कि आप कोई भी कॉलेज में हो, IIT, NIT, निरमा, DAAACT, LD, फिर मारवाड़ी, दर्शन, कोई भी कॉलेज में, आपकी कॉलेज इतनी मैटर नहीं करती है जितनी आपकी स्किल मैटर करती है। इट इफ यू बिलीव दैट गुड चैलेंज, गुड कॉलेज मीन्स गुड प्लेसमेंट, इट इज नॉट लाइक इट। सबसे पहले ही सेंटेंस आप पढ़िए कि अगर आप ऐसा मानते हो कि आप अच्छी कॉलेज में हो तो आपको ऑलवेज अच्छा पैकेज ही मिलेगा, 12 लाख का स्टार्टिंग पैकेज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ योर स्किल इज गुड, यू इट मेक्स यू बेटर। यानी कि अगर आपकी स्किल अच्छी है तो फिर आपके चांसेस काफी ज्यादा है काफी अच्छी कंपनी में और काफी बड़ा पैकेज के, ठीक है। ऑफ कैंपस ऑल्सो सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहली बात कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है कि आप DAAACT में हो, आप निरमा में आ चुके हो, तो फिर आपका ऑलवेज 12 लाख, 20 लाख, 24 लाख में आपका स्टार्टिंग पैकेज होगा। ये होता है, नो डाउट, नहीं होता ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता, बट कितने लोगों का, 10, 15, 20, ऐसे काफी कम स्टूडेंट्स का ऐसा बड़ा बड़ा पैकेज होता है। सो आपको क्या करना है कि आपकी जितनी भी अच्छी अच्छी स्किल है वो डेवलप करनी है, और वो आपको अच्छा बनाएगा, आपकी कॉलेज आपको अच्छी बनाने वाली नहीं है। अब मान लीजिए कि आप कंप्यूटर और IT में हो, तो आप कोई भी कॉलेज में हो ये मैटर नहीं करेगा, आपके पास कितनी अच्छी अच्छी स्किल है, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर डेटा साइंस, फिर जावा, एडवांस जावा, पाइथन डेवलपर, ये कितनी अच्छी आपके पास स्किल है वो मैटर करेगा, ना कि आपकी कॉलेज मैटर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जिन लोगों का भी
अच्छी कॉलेज में नहीं हुआ है, उन लोगों के पास ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में काफी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेगी। TCS, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, इंफोसिस, ऐसी काफी बड़ी बड़ी टेक जायंट कंपनी है जिसको MNC बोलते हैं, वो सारी की सारी आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट देती है, वो कॉलेज में नहीं आती है। तो फिर आपके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज रहेगी, बट ये सारी कंपनीज में जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपके पास होना चाहिए अच्छे से अच्छी स्किल, तभी आपको उसमें प्लेसमेंट मिल सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा स्लाइड में कहने का इंपॉर्टेंस यही है कि कॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, योर स्किल इज। ठीक है, सो अगली एक लास्ट स्लाइड में यही बताना चाहता हूँ कि इंडक्शन प्रोग्राम का रिपोर्ट अब मैं जल्दी से जल्दी वो भी आपको दिखा दूंगा, तो आप सबको पता चलेगा कि आपको रिपोर्ट किस तरह से बनाना है। ठीक है, अगर आपको मेरे लायक कुछ भी क्वेरी हो तो मैंने मेरे सारे सोशल मीडिया प्लगइन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी अपने सवाल पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हो, एंड एज ऑलवेज लाइक माई वीडियो, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और पर्सनली आस्क मी, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, एंड इफ यू न्यू टू द माई चैनल देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।